अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो यहाँ पे जो है वो नाश्ते का टाइम है। बच्चों को जो है ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक जो है वो डिफरेंट ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के मैंने वॉफल्स दिए, इंग्लिश वॉफल्स, और अपने जो है वो मैंने गार्लिक ब्रेड जो होती है वो ली है, और साथ में जो है एवरीडे की जो चाय है वो मैं बनाई है अपने लिए। तो मैं मिक्स करके कभी एग देती हूँ, कभी ब्रेड देती हूँ, कभी किस तरह बच्चों को देती हूँ साथ साथ। तो इस तरह जो है वो बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लेते हैं, और मैं अपनी जो फेवरेट है गार्लिक ब्रेड ये मैं खाती हूँ। तो उसके बाद नाश्ते के बाद जो है ना, ये देखिए अब डिक्लेटर का टाइम है, हो गया है कि सारा जो है गंद पड़ा हुआ है, कुछ जो है वो हम फेंकेंगे और कुछ जो है रखेंगे। तो इसमें से मैं देखूँगी कौन सी फेंकनी है कौन सी रखनी है। तो यहाँ पे देखिए सारा जो है, और इस जो दूसरी वाली जो कैबिनेट है इसको हम बाद में हाथ लगाएंगे, पहले जो फर्स्ट कैबिनेट है जो नीचे सिंक के नीचे जो होती है इसको करेंगे, क्योंकि ये जो नीचे होती है इसको ये तो कभी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो इसलिए जो है वो मैं इसको अब डिक्लटर करूँगी कि कौन सी क्या करनी है। तो सारा सामान जो है देखिए मैंने अच्छी तरीके से जो है वो बाहर निकाल लिए हैं, और इनमें से जो है वो मैं अच्छी तरीके से जो है जांच पड़ताल करूँगी कि कौन सी क्या करनी है कैसे करनी है। तो ठीक है, फिर इसमें जो है वो हम इसको डिक्लेयर करेंगे, और जिसको बाकी जो सामान रखना होगा उसको हम सेट करेंगे किसी बॉक्स में। तो ये देखें ये जो है जो यूज़ की हैं तो उसको जो है मैंने बॉक्स में रख दी है, और इस तरह मैं जो है इसको पैक कर गए हैं, जो भी लाइक जो अभी फ़िलहाल काम की नहीं है जो बाद में यूज़ होंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़े से जो है वो सेट कर ली हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जो है जो ज़्यादा यूज़ होती है उनको मैंने आगे रखनी है, ताकि मैं उसको निकालने में मुझे आसानी हो, और बाकी जो है वो मैंने पीछे रख दी हैं। और जो फेंकने वाली थी वो मैं जाके जो है वो मैं फेंक आई हूँ, और फिर याद आया कि मैंने आटा जो है वो उसको गोंदना था, और मैंने कहा चले सो लगे हाथ जो है ना इसको भी साथ साथ जो है आटा भी गोंद लिया जाए, क्योंकि कल एक दिन पहले जो है ना वो ख़त्म हो गया था, और रात को जो मैं थक गई थी लेकिन मुझे फिर टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा चले अब जो सफाई सफाई कर ही रही हूँ, काम कर ही रही हूँ, तो साथ में जो है आटा जो है इसको भी गोंद लेते हैं। ये मैंने गोंद लिया है, इसको मैं कपड़े में इसको रख के थोड़ी देर के लिए इसको बाहर रखूँगी, उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद जो है इसको फिर मैं अपने जो फ्रिज है उसमें रख दूंगी। तो आज जो है ये मैं फर्स्ट टाइम जो ये है ये बना रही हूँ अरवी। अरवी में ख़ास इसको कहते हैं, पता नहीं है लेकिन इसको कहते इस तरह है। तो इस तरह मैंने इसको छील के इसको अट्टे के साथ धो के अच्छे तरीके से वॉश की है, और साथ में जो है वो चिकन बनाऊंगी। इस दफ़ा जो है मैं चिकन के साथ ही बनाऊंगी इसको। तो ये देखिए अब जो है खाना हमारा रेडी हो चुका है, चिकन अरवी। तो बस अब रोटी की जो है बारी है, रोटी बनाऊंगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सो अभी जो है हमें एक पार्सल रिसीव हुआ है, पीआर कह ले। तो हमें वो क्या है किस तरह है तो वो हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो आपके साथ चले मिशन शुरू करते हैं। ये जो है ये बॉक्स इतना बड़ा और सा हमें इसमें से जो है वो हमें पीआर मिला है, जो हमें पैकेज जिसको आप कहते हैं वो हमें मिला है। वो क्या आगे है क्या है इसके अंदर तो वो आपके साथ जो है वो हम शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। तो ये बॉक्स है, ये हमें माओ मोनो की तरफ से आया है। पहले भी हमें इन्होंने गिफ्ट पीआर भेजा था, गिफ्ट भेजा था, तो ये उनका दूसरी बार उनका गिफ्ट आया है। वो थैंक यू सो मच मनाओ फॉर सेंडिंग अस ब्यूटीफुल गिफ्ट। एंड इसको खोलते हैं, तो इसमें ये देखें आपको ये नज़र आ रहा है, देखो माइक है, फिर उसके जो है वो एक स्टैंड है, और उसके साथ जो है वो अलग से बड़ा वाला जो माइक होता है वो है। इसका हमें पहले से सिंगल जो माइक था वो हमें रिसीव हुआ था, तो उसके बाद जो है अभी एक पूरा एक डेस्कटॉप सेट मिला हमें, और इसे जो है वो आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, वॉइस ओवर सॉरी वीडियोस पे वॉइस ओवर आप कर सकते हैं,
गेमिंग जिस हम खेलते हैं, तो साथ साथ जो है कमेंट्री हम वगैरह करते हैं, तो वो भी आप इसके साथ जो है वो आप कर सकते हैं। तो फिर इसको हम खोलते हैं कि इसके अंदर किट क्या क्या है। तो ये है हमारा, ये बैग है, जैसा ब्रीफ केस होता है, हैंड बैग होता है, या वो जो मेकअप किट जो होता है उस तरह के, इस तरह के आपको ये देखिए, ये इस तरह के है। फिर हम इसको ऐसे खोल लेते हैं। वाह, बहुत ही क्यूट सा, नाइस सा बैग है। सो इसमें जो है हमें ये कार्ड मिला हैप्पी कार्ड, थैंक यू। एंड इसके साथ ये इसका यूजर, और ये इसके मैनुअल। अंदर जो है ये सामान है इसका। तो इसको हम खोलते हैं। ये हमारा ऊपर का जो टॉप था लेवल, वो हमें इसको निकाला है। और इसके नीचे एक और है जो माइक के आगे लगेगा, जो माइक होता है दूसरा, जिसे वॉइस जो है वो नॉइस, वॉइस कैंसलेशन, सराउंडिंग एरियाज के जो साउंड्स होते हैं उसको जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, और उसमें से आवाज़ नहीं आती। तो अक्सर आपने जो कमेंट्री कर रहे होते हैं, या ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, या जो गेमिंग खेल होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, आपने अक्सर ऐसे देखा होगा माइक लगाया हुआ, आगे से जो है वो दूसरा बड़ा वाला जो माइक है वो लगाया होता है। तो ये इस तरह है, और ये इसका आई थिंक के डिस्क है, तो इसके यहाँ पे जो है ये लगेगा। और ये एम्प्टी हो गया है हमारा, ये तो बाइक तो मेरे काम आ जाएगा। और इसके साथ जो है टॉप लेवल पर जो है यहाँ पे ये माइक ही, आई थिंक ये माइक लगेगा यहाँ पे जो ये वाला है। और इसमें जो है हमें ये कवर दिया है, जिसपे हम अपना माइक के ऊपर लगाएंगे। सो ये है जी माइक, और ये जो है कवर है, ये इसके ऊपर ऐसे लगेगा टॉप पे, इसको ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लग गया है। ये आई थिंक ऐसे ही होगा, या इस साइड पे होगा। ये हमारा ट्राई किया है, ऐसा लग गया। ओ, ये हमारा माइक लग गया। और इसके साथ ये तार है, जो आपने लैपटॉप या जो भी आपका कंप्यूटर है, मॉनिटर है, या लैपटॉप है, उसके साथ जो है वो आपने ये लगाना है। और ये इसका स्टैंड है, जिस पे स्टैंड पे ये लगेगा। तो इसको फिर बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो फार सो गुड। तो ये जो है वो जो डिस्क थी, वो इस पे जो है ये स्टैंड है इसका, ये वो जो लंबा सा स्टैंड था, और ये इस पे लग गया है। यहाँ पे जो है वो हमारा माइक लगेगा, ये इसके साथ अटैच हो गया है। तो ये हमारा जो इस तरह माइक है, इस तरह ये, इस तरह, तो ये भी इस तरह इसके साथ अटैच हो जाएगा। और ये फिर यहाँ पे, फिर हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी ये हमारा लग चुका है, ये इधर नीचे इसके साथ जो है वो अटैच, ये माइक है, और इसके साथ जो है ये पर ये लग गया है। मैं आपको साइड से दिखा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर इसको जब हम उस पर लैपटॉप या किसी पे लगाएंगे, तो फिर इस तरह हमारा लग जाएगा। तो ये इसकी इंस्ट्रक्शन है, इसे हम बता रहे हैं कि हमने किस तरह लगाने हैं। ठीक है, इस तरह आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, इसके बगैर भी आप जो है लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है अपने इसको अटैच करना है, और अपने लैपटॉप के साथ या किसी के साथ जो है उसको अपने अटैच कर देना है। ठीक है, फिर इसके इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने इसको सेटिंग कैसे करनी है, और अपने भी जो आपका माइक है, ये आपने टीवी के साथ या किसी और
स्पीकर के साथ जो है वो आपने लगा लेना है। सो ये जो है आपको ये रडार बता रहा है कि इसमें रडार जो है वो क्या क्या है, ठीक है जी। फिर ये देखिए ये आपको डिफरेंट लैंग्वेज में भी आपको बताएगा, पहले इंग्लिश में था, ये आपको और लैंग्वेज में है। अगर किसी को किसी और की कोई जो लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज में गाइड कर सकता है। तो इस पर लिखा है पॉप फिल्टर एंड विंड फॉर्म रिकनेक्ट माइक्रोफोन प्लेसमेंट, कि आपने जो है इस तरह करना है, इससे जो है इस तरह नहीं आपने करना है। फिर आपका जो है यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो अपने इंस्टॉल कर लेना है। ये नहीं कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंटेंट में आपको बता रहेंगे, फर्स्ट पेज जो है वो इंग्लिश में है जो यूनिवर्सल होती है, जो सबको जो है वो समझ आती है। फिर उसके बाद डच है, फिर उसके बाद आई थिंक जापनीज को या आई थिंक ये वो लैंग्वेज है। तो मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इसका इस तरह है इसका यूज़र मैनुअल, ये इसका ऐसे है जी। ये इसकी जो है वो तार है, ठीक है जी। तो ये जो है हमारा माइक इस पे लग गया है, ये मैंने जो अपना लैपटॉप है उसके साथ मैंने इसको लगाया है। ये उसकी जो तार है इसके साथ लगी हुई है और ये इस तरह लगा हुआ है। और इस पर मैं अभी अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हेलो 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 हेलो, 1 2 3 1 2 3 रेन रेन, हेलो हेलो हेलो। तो ये जो है साउंड उस पर मैंने इस पर मैंने बोला है, तो ये हमारा माइक जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया है। तो जब भी हमने कोई वॉइस ओवर या स्ट्रीम या कुछ भी ऐसा करना है तो ये हमारा अपना पर्सनल माइक है। सो एक वंस अगेन सॉरी थैंक्स फॉर सेंडिंग दिस पीआर, ब्यूटीफुल पीआर पैकेज, वी लव इट एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग this product, thank you so much, I really enjoy it.